नमस्कार, बहुत स्वागत प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। पांच के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा निशाने पर रेल आतंकी खेल, कानपुर के बाद दरअसल अजमेर में ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। अजमेर में मालगाड़ी के सामने 70 किलो के दो सीमेंट ब्लॉक रखे गए। गनीमत रही कि मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। राजस्थान में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश का यह पहला मामला नहीं, प्रदेश में 17 दिनों में यह तीसरी घटना है जब इस तरह की घटना पटरी पर पेश आई और इसकी एफआईआर सोमवार देर रात को दर्ज की गई। आज जानकारी यह सामने आई कि पुलिस ने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। इसे ट्रेन को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश माना जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कौन ट्रेनों के साथ साजिश कर रहा है, कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है और इसके पीछे के तार कहां तक कैसे जुड़े हुए हैं। तमाम बातों को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर दो जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे। किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर दो सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने की। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकराई, हादसा टला। एसआईटी का गठन, राज्य में 17 दिन में तीसरी वारदात, देश में 3 महीने में 9वीं घटना, ट्रेन पलटने की साजिश। तक क्लीनर्स पकड़ नहीं आएंगे, उनका क्या मकसद था तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। निशाने पर रेल आतंकी खेल। तो आखिरकार भारतीय ट्रेन को कौन निशाना बना रहा है, कौन चाहता है कि ट्रेन डिरेल हो जाए या कोई बड़ा हादसा करने की साजिश है, ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं क्योंकि देश भर में पिछले 3 महीने में ये 9वीं ऐसी घटना है जो सामने आई है और अकेले राजस्थान में पिछले 17 दिनों में 3 इस तरह की घटनाएं, जिन्हें कह सकते हैं कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। आज इसी को लेकर हम सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ विकास भारत भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं पंकज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और अनिल गोठवाल हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मित्तल साहब, आपसे शुरू करूंगा कि ये बहुत सोचनीय, चिंता की बात है कि देश भर में 3 महीने में इस तरह की 9वीं घटना और अकेले राजस्थान में पिछले 17 दिनों में 3 ऐसी वारदातें पटरी पर सामने आई है जिससे लगता है कि कोई ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इसे सामान्य घटनाओं की तरह देखें या ये गंभीर, इतना गंभीर है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है और ये इसके पीछे कौन हो सकता है? सर देखिए, मत जो अजमेर की घटना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान हो तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये दिल्ली और मुंबई के बीच में एक लाइफ लाइन है, मतलब गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए लाइफ लाइन है और बड़ी संख्या में, हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो है माल का लदान इधर से उधर होता है और आमतौर पर इस फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जो जहाजों में जो कंटेनर जाते हैं उनका होता है। और ये जो कल की जो घटना हुई है, ये क्या नाम से जो ऑर्डिनरी जो वैगन होते हैं जिसको बीएसएन वैगन कहते हैं, वो मालगाड़ी थी वो वाली, ये जो कंटेनर वाला वैगन था जो गाड़ी होती है वो नहीं थी, ये बीएसएन वैगन की जो मेरे इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है वो थी। और ये गाड़ी उस समय जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही थी। लेकिन इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि जो हमारी जो गुड्स की जो लाइफ लाइन है उसको शायद क्या नाम से डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी कोशिश है। हमने देखा जो और दूसरी घटनाएं हुई है वो यात्री ट्रेनों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो घटना हुई है मुझे लगता है कि जो क्या नाम से आर्थिक स्थिति देश शायद क्या नाम से उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि ये दुर्घटना हो जाती, यानी यदि क्या नाम से मालगाड़ी पटरी से उतर जाती तो आप देखिए कितना भारी नुकसान होता, कितने घंटों तक, कई दिनों तक क्या नाम से वो आपका जो ट्रैफिक है वो रुका रहता। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक साजिश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और एक बात मैं हेमंत यहां बहुत जरूरी इसको जोड़ना चाहता हूं, जो कानपुर की जो घटना हुई है
उसमें जो कालंदी एक्सप्रेस का जो मामला सामने आया उसमें यह बात सामने आई है कि जो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके लोगों का हाथ है। और इसी संदर्भ में हाल ही में क्या नाम से एक जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक कट्टरपंथी है उसका एक वीडियो सामने आया जिसने ये कहा है कि जो भारतीय रेलें हैं उस पर हमको निशाना बनाना है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों घटनाएं शायद क्या नाम से जुड़ी हुई है, चाहे वो कानपुर की हो चाहे वो अजमेर की। ठीक है, अनिल गोठवाल साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या महज एक घटना है या जिस तरीके से मित्तल साहब बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है? नहीं, मैं मित्तल साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बात यह है कि देश के अंदर कभी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और विशेष रूप से जहाँ 370 उठाई गई है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ के चुनावों को देखते हुए उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे या ऐसी संदेश देने के लिए कि हम देश के अंदर इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें। और आतंकवादी घटना चूंकि वहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी सब लगी हुई है, हो सकता है कि वहाँ ये डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे तो देश के दूसरे हिस्सों में ये इस तरह की एक घटना को अंजाम देके और एक संदेश देना चाह रहे होंगे। चूंकि ये इलेक्शन से जस्ट पहले की है, इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है। अब आप देखिए, अगर मान लो कानपुर की घटना में है, वहां पर गुड्स ट्रेन नहीं है, यहाँ गुड्स ट्रेन है, तो गुड्स ट्रेन और मालगाड़ी दोनों के ऊपर अटैक है। एक किसी वहां असफल हुए तो इन्होंने सोचा कि भाई अहमदाबाद वाली इस मालगाड़ी के ऊपर, हो सकता है कि उनको ये संभावना हो कि ये गुड्स ट्रेन नहीं हो के और इस तरह की कोई पैसेंजर ट्रेन हो। तो ये अभी कुछ जांच के पहले किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसमें एक सीक्वेंस नजर आ रही है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक ही प्रकार से ट्रेन को डिरेल करने का मॉडस ऑपरेंडी यूज किया गया है। तो ये संभावित रूप से हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी आतंकवाद की घटना से या उन लोगों से जुड़ा हुआ संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई स्थानीय समस्या है, ट्रेन के सामने भी बैठते हैं, पटरी पे भी बैठते हैं, कोई अपना लोकल स्थानीय लेवल पे विरोध होता है तो वो बाकायदा कॉल देके वहाँ बैठा जा सकता। यहाँ कॉल नहीं दिया गया, स्थानीय कोई समस्याओं को पॉइंट आउट नहीं किया गया और कुछ भी नहीं है। तो ये एक मिसचीफ और एक सेंसेशनल या संवेदनशीलता को भंग करने की या राष्ट्र की एकता अखंडता के अंदर कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं तो मैं इसको इलेक्शन से जोड़ के देखने से भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वजह से वहाँ सुरक्षा ज़्यादा हो तो देश के अन्य राज्यों में इस तरह के। तो ये बकायदा अब इसके ऊपर जांच हो गई, मुकदमा दर्ज हुआ और इसको गंभीरता से रेलवे प्रशासन को और स्थानीय पुलिस को भी लेना चाहिए। पंकज शर्मा जी, आपका वक्तव्य क्या है इस पर, आप कैसे देख पा रहे हैं विपक्ष के नाते? देखिए हेमंत जी, जो भी घटनाएं इस समय देश में हो रही हैं वो चिंताजनक है और हम इन साजिश की जो घटनाएं हैं इनकी जांच की पुरजोर मांग करते हैं क्योंकि ये हमारे देश की संप्रभुता, शांति और सद्भाव के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा हेमंत जी, पिछले अगस्त में ही ऑलमोस्ट 18 से ज़्यादा ये घटनाएं हुई हैं डीरेल की और उससे पहले लगभग 2 साल में 24 से ज़्यादा घटनाएं डीरेल की हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कि कानपुर हो, अजमेर हो, उससे पहले तेलंगाना, फरुखाबाद, उसमें अलग अलग आइटम्स मिले, कहीं सीमेंट्स के ब्लॉक मिले, आयरन रॉड्स मिली। इसके अलावा जो लगातार घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए 2-3 लाख से ज़्यादा जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो रेलवे के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, आरपीएफ वगैरह हैं या डीएफएफसीसी, इन सब की कमियां इस समय रेलवे में है। रेलवे का बजट इन लोगों ने बढ़ा दिया है 2,40,000 करोड़, जो पिछली बार लगभग 1,37,000 करोड़ था उससे 2,40,000 करोड़ कर दिया, लेकिन कहीं भी सुरक्षा पर वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। लगातार इन्होंने कहा कि हम पटरियों की बात करें या जो और चीज़ों की बात करें उन पे भी इन लोगों ने लगातार खर्चे करने की बात की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर घटनाएं यूपी में होती हुई नज़र आ रही हैं जो अभी तक ये है। और इसका यूपी में जो 19 जुलाई को यूपी के गोंडा में हुई चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से, ये मैं जो 4 यात्रियों की मौत हुई थी। 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़ा बांबू के पास सरायकेला खरसावा जिले में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से, हेमंत जी 16 अगस्त को बिल्कुल मैं वही कहना
मित्तल साहब जिक्र कर जी बोलिए। देखिए जो ऑफिशियल डेटा है मैंने उस डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज रखी है कि यूपी में सबसे ज्यादा ये डिरेल की घटनाएं हुई हैं। और आपको पता होगा कि जैसे अभी अनिल गोठवाल सर कह रहे थे जो कट्टरपंथी है फरतुल्ला गोरी करके कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसने ये कहा भी है कि ये, ये विदेशी साजिश है या फिर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जी बोले पूरा कर लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल उसने क्लेम, मैं कह रहा हूँ ना कि कट्टरपंथी है फरतुल्ला गौरी करके है, उसने ये क्लेम भी किया है कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपनी स्लीपर सेल को कि वो जो जो इंडिया का ट्रेन नेटवर्क है उस पर कुछ को हमला करे, उसके लिए उसको नुकसान पहुंचाए, उसकी जांच आई थिंक ATS NIA को दी भी गई है, इसके पीछे ISI का भी हाथ है। लेकिन हमें सबको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार की खामियां और कमजोरियां नजर आ रही, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों में 1067 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं इस देश में हुई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में भी आपको पता होगा कि लगभग मैं अगर बात करूं तो 24 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, लगभग 11 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं तो जम्मू में, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है। हमारे साथ में राजू सोलंकी जी जुड़ चुके हैं जो पूर्व रेलवे के अधिकारी हैं और रेलवे की कार्यप्रणाली को भी अच्छे से समझते हैं। राजू सोलंकी साहब स्वागत है आपका News 18 राजस्थान पर हमारे इस 5 के प्रहार की डिबेट में। सवाल यह है सोलंकी साहब कि आखिरकार ऐसे ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है इस तरह की, जिसमें कहा जा रहा कि विदेशी साजिश है, 3 महीने में 9वीं घटना देश भर में और 17 दिन में राजस्थान में 3री घटना, आप क्या वजह मानते हैं इन घटनाओं की? नमस्कार जी, मैं राजू सोलंकी डिप्टी जनरल मैनेजर हरियाणा रेलवे भारतीय रेलवे जी। मैं 45 साल से रेल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने करीब करीब 28 रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया है राजस्थान के अंदर ही। और मैं इस संदर्भ में ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे जो दिखता है एजुकेशन की समस्या है, लोगों में जागृति की कमी है, लोगों में ये सब समझना पड़ेगा कि होली दिवाली बड़े त्योहारों में ट्रेन का मूवमेंट चलता है, ऐसे अनएजुकेटेड लोग अनपढ़ लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं थोड़े मोड़े रुपए लेने के चक्कर में और ऐसे करके ऐसे हाथ से करवा देते हैं। छोटा सा लालच ही इसका ये है, इसके लिए बराबर मॉक ड्रिल करना पड़ेगा, बार बार RPF सजग होगी, पुलिस सजग होगी, बार बार हर बार एक ये सिस्टम डेवलप किया जाए, एक टेबुलेटेड फॉर्म में हर बार ट्रैक पे जाया जाए, जांच की जाए, लोगों को सजग। नहीं राजू सोलंकी जी, राजू सोलंकी जी मुझे ये बताइए, आप रेलवे से इतने लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, इस तरह की घटनाओं की जांच रेलवे में कैसे की जाती थी पहले और अभी कैसे की जाती है? और भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी आगे जी, इसके लिए SIT का गठन किया गया है, केंद्र सरकार ने भी बात कही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस तरह की घटनाओं की जांच कैसे की जाती है सर? इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी पूरा उसका डिटेलिंग करता है कि भी कौन आया, CCTV फुटेज लिए जाते हैं, मुखबिरों से जांच के लिए लिया जाता है डिटेलिंग। मैं सोलंकी साहब मैं कह रहा हूं कि पटरी पर कहीं देखिए 70 किलो का कोई ब्लॉक रख गया, ये ट्रेन आने से पहले कोई पता चल जाए, इस तरह की तकनीक हमारे पास में है कि कहीं पटरी डिस्टर्ब हुई है नहीं हुई है, कोई पटरी की व्यवस्थित जांच का कोई तरीका है रेलवे के पास में? पटरी में जांच का तरीका, इसके लिए सेंसर लगाने पड़ेंगे, एडवांस सेंसर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी की तरफ जा रहा है रेलवे के पहले से ही मालूम चल जाए। प्लस नंबर एक, उसके लिए स्पेशली ड्राइवर्स को पहले से ही सजग और उसके लिए बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक ड्राइवर स्पेशली उसको जांच देखेगा वो कभी पत्थर तो नहीं पड़ा है, सब कुछ विजिबल रहता है ट्रैक पे, बिल्कुल लाइट में सब कुछ दिखता है। मैंने भी रेलवे में इंजन के ऊपर कई बार इंस्पेक्शन किया है, मुझे भी पूरा दिखता है कि कौन आदमी आ गया, कौन सामने आ गया है, कौन कट जाएगा, लेकिन चूंकि रेलवे की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, इसमें एकदम सडन कुछ कर नहीं पाता आदमी। सोलंकी साहब कि अभी वर्तमान में रेलवे के पास में पटरी की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? रेलवे में सेंसर लगाए जा रहे हैं जिससे कि आगे कोई पत्थर आए, कोई आए, पहले से पूर्व में आवास हो जाए, ऐसी डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी, उसको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत जल्दी ऐसा आने वाला है जी। लेकिन जो पहले हम देखते थे कि वो ट्रोली मैन जो है वो रेल की पटरी चेक करते हुए निकलते थे, और ये ऐसा मेरी जानकारी में आया जो मैंने बात की समझा है कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रोली मैन हुआ करता था, क्या वो व्यवस्था अभी भी कायम है? अभी है सर, वो भी पूरा है, वो उसको की मैन बोलते हैं, चाबी वाला, सुबह जल्दी निकलता है, एक एक पूरी चाबी देखते हुए जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट में जाता है, राइट में वापस होते हुए आता है, पूरी जांच कराता है, टॉर्च रहती है उसके पास, सब कुछ साधन रहते हैं, इक्विपमेंट भी रहता है, वो
ये पूरा रेलवे में कंप्लीट 8 किलोमीटर के अंदर है। तो क्या नियमित जांच हो पाती है? नियमित कर्मचारी है इतने रेलवे के पास में कि हर 8 किलोमीटर पे ट्रोलीमैन है, नियुक्ति गैंगमैन की ट्रोलीमैन की नियुक्तियां हैं? यस 100% है सर। और स्टेशन मास्टर को जाके रिपोर्ट करता है, स्टेशन मास्टर साइन करता है उस पे। अगर वो ड्यूटी पे नहीं है अगर कोई फिर भी जी अगर कोई फिर भी 70 किलो का ब्लॉक रख जाए रेलवे की पटरी पर और उससे कोई हादसा हो जाए तो क्या कहेंगे? कहीं रेलवे की ही खामी है सुरक्षा की? सर ये रेलवे की खामी इसलिए नहीं है कि वो बंदा चेक करते हुए गया और उसके जाने के बाद या रेकी करके कुछ करता है बंदा तो पीछे से वो देख नहीं पाता है, ये एक समस्या है। इसलिए ड्राइवर साहब को सतर्क रहना पड़ेगा, उनका एसिस्टेंट को सतर्क रहना पड़ेगा। जी एक और सवाल है मेरा आपसे कि क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जैसे सुरक्षा को लेकर के काम करती है, चेकिंग भी करती है, क्या रेलवे में जितने पद हैं वो सब भरे हुए हैं? उसका भी एक असर पड़ता है सर। क्या आरपीएफ के बाकी सुरक्षा एजेंसियों के तमाम पद भरे हुए हैं रेलवे में? बराबर जांच करे, मॉक ड्रिल करे, जाती रहे सेक्शन में। जी यस सर, वो एक्चुअली सर शेड्यूल रहता है, बरसात के अंदर शेड्यूल रहता है ऑफिसर्स का, नाइट ड्यूटी में बकायदा इंजन पे बैठ के जांच करने जाते हैं। सोलंकी साहब, लेकिन हमने आपकी बातों से मोटा मोटा अनुमान यही निकाला कि हम आधुनिकीकरण के दौर में तकनीक का जब तक पूरी तरह से समावेश नहीं हो जाता हम और ज्यादा मजबूत तभी हो पाएंगे जब पूरी तरह से हम तकनीक का इस्तेमाल कर लें। और जैसे आप बता रहे हैं कि सेंसर लगाए जा रहे हैं तो ये व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल विकास बारड़ साहब, ये इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? क्या एक के बाद एक जो दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह की साजिश हुई है उसमें कहीं सरकार की, रेलवे की कहीं कोई नाकामी है इसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं कि तुरंत कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? देखिए हेमंत जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि एक भारत हुआ करता था 2014 से पहले जी, जहां पर इन्हीं रेलवे और बस की सीटों के पास लिखा होता था कि अनजान सामान को ना छुए, बॉम्ब हो सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, देश का कोई राज्य नहीं था जहां पर चलते वक्त बम विस्फोट नहीं हो जाते थे। लोग रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशनों में सेफ नहीं थे, फिल्मों की तरह आतंकवादी बंदूकों से लेस होकर फायर करते हुए इस भारत के अंदर जो है वो जगह जगह वारदातों को अंजाम देते देखे गए। लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद एकदम से ऐसी घटनाओं के ऊपर एक अंकुश सा लग गया है, अंकुश कहां लग गया? अभी तो अलवर में ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया पूरा का पूरा आतंकी जो है, अंकुश कहां लग गया? कैंप पकड़ा गया अभी कुछ दिन पहले, जयपुर का एक दंपति जम्मू कश्मीर घूमने गया था, गाड़ी से निकलते ही उनको उनके ऊपर फायर कर दिया गया। अब देखिए घटनाएं हो रही है, मैं रेलवे पे आइए ना सर, डीरेल मत होइए। मैं मेरा जवाब दे दूं सर? जी हाँ बोलिए। पहले मैं मेरा जवाब दे दूं? नहीं, वो वाला वो रटा रटा जवाब से थोड़ा सा आगे बढ़िए सर। अब हमें ये सोचना होगा 2014 वाला भारत, 2016 वाला भारत की बात नहीं, मैं कहा एक के बाद एक, अगर ये सब भारत है बात कैसे नहीं है? आप मेरी बात सुनिए ना सर, जब ये जनता से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मामला है। मेरी सुनने, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप मेरी सुन रहे थे, आप बीच में ही कूद पड़े। बोले आप मुझे बताइए ना, अंकुश किसे कहते हैं? आप दो घटनाएं बता पाए हैं, महज दो घटनाएं बता पाए हैं। क्या मैं आपको 100 घटनाएं बताऊंगा, इसे अंकुश नहीं कहेंगे? क्या दो घटनाएं बता पाया हूं? यही तो अंकुश है सर। क्या दो घटनाएं बताई ना? एक तो जम्मू में बताई और एक यहां आतंकवादी कैंप जो पकड़ा गया। ट्रेन की बात कर रहा हूं, यहां भी कैंप पकड़ा गया सर। मैं तो राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं हथियारों के साथ में, वो ये कम छोटी बात है आपकी नजर में? ले रहे नहीं है श्रीमान, ले रहे थे पकड़े गए हैं, ले रहे थे पकड़े गए हैं। ले रहे थे ना? ले रहे नहीं, ले रहे थे ना राजस्थान की सरकार के गठन को, हमारी सरकार के गठन के कुछ महीने बाद। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कब से अभी राजस्थान के, अभी आप ज्यादा अंदर जाएंगे ना सर, सुनिए ना सोमानी साहब, मैं एक एक आंकड़े दूंगा कि राजस्थान के कितने शहीद हुए हैं, कहां से हो रहे हैं वो, पिछले एक महीने में हमने कितने हमारे बहादुर बेटों को कुर्बान कर दिया, कुछ पता है, कुछ अंदाजा है आपको? मैं अगर आपसे रेलवे पे बात कर रहा हूं, हमारी आप अनुभूति है, सुनिए सर, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं कह रहा हूं मेरे पास इतना डाटा है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं कह रहा हूं रेलवे पर। कोशिश करके देख लीजिए, मैंने कोशिश की है, आप सुन लीजिए, देख लीजिए, कोशिश मुझे ये नहीं करनी है, जनता ये जानना चाहती है इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, सीधी सीधी बात है।
ये क्यों हो रही है? मैं उसी का जवाब दे रहा था, अगर आप बोलने देंगे तो ही बोलूंगा सर। हाँ, मैं ये इस प्रकार हर मिनट में आप इंटरप्ट करेंगे तो बोल नहीं पाऊंगा। बोलिए बोलिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा था हेमंत जी कि जिस प्रकार पूरे भारत में आतंकवादी संगठन के लोग यहाँ पर स्लीपर सेल एक्टिव थे, लेकिन विगत सालों में जिस प्रकार की मुस्तैदी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने को मिली है, उन मुस्तैदियों के चलते ये जो उनकी कुंठा है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कोस्तुफ गोरी जो करके जो एक आतंकवादी है, उसने अपने स्लीपर सेल को संबोधित करके जो ऑडियो उसका सुरक्षा एजेंसियों को मिला, उसमें उसने कहा कि हमें इस प्रकार के ये तरीके अपनाने पड़ेंगे जिस प्रकार रेल को डिरेल कर दिया जाए, जिससे आपको कोई बम वगैरह की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ज्यादा जनहानि होगी। तो ये लोग जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जिनकी कुंठा पिछले दशक से उनमें बनी पड़ी है कि वो किसी आतंकवादी घटना को बड़े स्तर पर अंजाम नहीं दे पाए, उस कुंठा की पूर्ति के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये महज इत्तेफाक नहीं, एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा, जहां कानपुर में यह घटना हुई वहां पर भी किसी बाबा की मजार पाई गई है और जमात के कुछ लोगों को एएनआई ने हिरासत में भी लिया है पूछताछ के लिए, और अजमेर में जहां पर यह घटना कल हुई है वहां पर भी एक मजार पाई जाती है। तो ये घटनाएं किस प्रकार हो रही है, इन घटनाओं के पीछे क्या कनेक्शन है? आप इस देश मजार के खतरे का विषय है जी? नो, मैं नहीं कह रहा, ये जांच के अंदर आया है, आपके ही न्यूज के जो प्लेटफॉर्म्स है वो ये बता रहे हैं। ये देश को और आपको जानना और अनुसंधान करने का सुरक्षा एजेंसियों का काम है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एकदम से जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आई है, जो आप कह रहे हैं कि जम्मू में बार बार आतंकवादी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और यहां उत्तर भारत में जो ये रेलवे को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ आज वंदे भारत ट्रेनें स्पीड से जोड़ रही है विश्व के साथ भारत को, जहां पर बुलेट ट्रेन भारत में आने को तैयार है, और एक तरफ कुछ लोग प्रयास हो रहे हैं। आप विकास भारत साहब, मैं जो समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि देश का जिस तेजी से विकास हो रहा है उससे कुंठित कुछ लोग जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। पंकज शर्मा जी, इत्तेफाक? बिल्कुल जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रहता जो अभी इस समय विकास जी कह रहे हैं। विकास जी ने बड़े उससे कहा कि हमारी सरकार में जो आतंकवादी घटनाएं उन पर अंकुश लग गया। अब मैं सिलसिलेवार इनको घटनाएं बता देता हूं, पांच बड़ी घटनाएं पहले बताऊंगा, उसके बाद सिलसिलेवार जो अगस्त में घटनाएं हुई है वो बताऊंगा। देखिए हम सब लोगों ने देखा, विकास जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं हां सब बताऊंगा, आप पिछले 10 साल बिल्कुल मैं अपनी बताऊंगा, लेकिन पहले लास्ट 10 ईयर्स का बताऊंगा। पुलवामा का घटना हमला हुआ तो 300 सरकार पता नहीं लगा पाई है। उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, गुरदासपुर का हमला हुआ, अमरनाथ यात्रीकोट का हमला हुआ, आतंकवाद पे सरकार राजनीति करती है, इन्होंने सिर्फ आतंकवाद पे राजनीति की है। हम सब लोगों ने देखा उदयपुर में किस तरीके से आतंकवादी घटना हुई, एक व्यक्ति का गला रेत दिया गया और ये एनआईए में अपनी बात तक नहीं रख पाया, वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया। कैसी बात करते हैं ये लोग, आप एक तरफ कार्रवाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं कि सबूत लाइए। ये नहीं, एक एकजुटता के साथ आगे आना होगा, तब हम इस तरह के आतंकवाद से निपट पाएंगे। इस पे इनको चिंता तो जाहिर नहीं है, ये ठीक ना कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ तरह लगातार कुछ दिनों से इस तरह की जो घटनाएं रेलवे को लेकर के बड़ी हैं वो चिंताजनक हैं, और सरकार ने एसआईटी और एनआईए से जांच को लेकर के भी कई तथ्य जुटाने शुरू कर दिए। हालांकि जांच एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आतंकी ताकतें सक्रिय हैं, उनका पर्दाफाश होगा, बेनकाब होगा।